डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्रैश कोर्स सीरीज की तीसरी वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वॉइस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होंगे। आपको वॉइस बनाने में बिल्कुल इजी लगेगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट आपके अच्छे से समझ में आएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा माइंड को ओपन करके अच्छे से शांत से देखना है। कमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देखना है देना है, ठीक है? आप लोग बस पढ़ते रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब ना आ गए हो तो ध्यान से सुनना, समझ गए? तुम लोग कमेंट पे ध्यान मत देना मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा वीडियो पे ध्यान दो और आइडियो पे ज़्यादा ध्यान देना ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्योंकि मैं आज ऐसे पढ़ाऊँगा, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो आपको वॉइस आपके मुट्ठी में होगा। सचमुच में तुम दिल से बोल रहा हूँ, 100% आपके मुट्ठी में होगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो तो। इसलिए माइंड को ओपन करके अच्छा से समझने की कोशिश करना। अगर ना भी समझ में आए तो दोबारा से वीडियो को देख लेना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो आज बताऊँगा बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वॉइस कहते किसको हैं। आपके एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा, इसके डिफिनेशन नहीं पूछे जाते, फिर भी हम इसे जानेंगे कि वॉइस कहते किसको हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन वॉइस के बारे में लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने टेंस में पढ़ा था कि टेंस क्रिया के रूपों का अध्ययन है, तो ठीक उसी तरह से बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का ही रूप है। विच जो टेल्स मतलब बताता है, क्या बताता है, मेन पॉइंट यहीं पे है, ठीक है? देखिएगा, कहता है समबडी डज समथिंग, या फिर समबडी डज समथिंग का मतलब, समबडी मतलब कोई सजीव आदमी, डज मतलब करता है, समथिंग मतलब कुछ, या कोई भी सजीव आदमी कुछ करता है, और समथिंग इज डन बाई समबडी, या फिर कुछ भी हो जाता है सजीव आदमी के द्वारा। ध्यान से समझ में आया, इसे ही हम वॉइस कहते हैं। एक बार और मैं बता दूँ, कहता है कि somebody does something और something is done by somebody, मतलब कोई जो है पर्सन वो कुछ भी करता है या फिर कुछ भी किसी पर्सन के द्वारा हो जाता है, तो हम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग वॉइस कहते हैं। आपको वॉइस का थोड़ा बहुत मतलब डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखिए, अब हम इसके टाइप पर विचार करेंगे कि वॉइस का जो टाइप है आप सबको पता है, बट हमें थोड़ा सा देखना है इसको, ठीक है? अब बहुत अच्छे से करवाऊंगा, बस आप देखते रहिए। सबसे पहले वॉइस के दो टाइप होते हैं, आपको पता है। पहला टाइप को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस, और जो हमारा दूसरा टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब ध्यान से सुनना, यहीं से मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे ना तो वॉइस 100% बनेगा, रोना नहीं रोना पड़ेगा। देखिए, एक्टिव वॉइस कहते किसको हैं, तो एक्टिव वॉइस कहते हैं समबडी डज समथिंग। समबडी का मतलब यहाँ पे है कोई भी सजीव वस्तु, ठीक है ना? और समथिंग का मतलब है कोई निर्जीव वस्तु। यह डेफिनेशन अपने आप में परफेक्ट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस हम तभी कहेंगे जब समबडी डज समथिंग, मतलब कोई भी आदमी कुछ करेगा, कुछ करता है, समबडी डज समथिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आई हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद करता हूँ, तो यहाँ पे जो समबडी है ये कुछ कर रहा है, तो समबडी डज समथिंग, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। अब पता है, एक तरीके से और आप समझ सकते हो, जब भी एक्टिव वॉइस होगा ना तो उसका सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा मतलब काम करते रहेगा। देखिए यहाँ पे आई काम कर रहा है मदद करने का। अब पैसिव वॉइस में आइए, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, समथिंग इज डन बाई समबडी,
मतलब कुछ भी हो जाएगा दूसरा के द्वारा, समबडी के द्वारा, समथिंग इज डन बाई समबडी। मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस देखते रहना ठीक है। समथिंग इज डन बाई समबडी मतलब समथिंग मतलब कुछ भी, इज डन मतलब किया हो जाता है समबडी के द्वारा, उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आपका यू आर हेल्प्ड बाय मी, इसी का पैसिव वॉइस बनाया हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि मदद किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय मी मतलब समबडी के द्वारा समथिंग हो रहा है ठीक है, तब बोलेंगे पैसिव वॉइस। आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जो इसका सब्जेक्ट होता है ना पैसिव वॉइस का, वो पैसिव होता है। पैसिव होने का मतलब काम नहीं करता रहता है, वो सोया हुआ रहता है। तो यहाँ पे बताइए यू क्या, यू एक्टिव में है, सोया हुआ है कि नहीं, कैसे समझोगे? तो कह रहा है यू आर हेल्प्ड, तुम्हें मदद किया जाता है किसके द्वारा, मेरे द्वारा। तो मदद करने वाला जो है, ध्यान से सुनना, मदद करने वाला है जो, तो मी है, तो मीन एक्टिव है, ये यू तो सोया हुआ है। तो याद रखना पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव ही रहेगा, मतलब सोया हुआ रहेगा। चलिए अब चलते हैं इसके जनरल रूल की तरफ। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से मेन नौटंकी चालू होगा वॉइस का ठीक है ना। जब भी आप वॉइस बनाओगे तो जनरल रूल आपको पता होना चाहिए। पता होने का सीधा मतलब है कि आपको एक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इस कॉन्सेप्ट से वॉइस के सारे रूल को आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। अब मैं रूल को समझाऊंगा, उसके बाद एक मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे से कर पाओगे ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा जनरल रूल्स, मतलब जनरल रूल्स बोले तो हर एक रूल वॉइस में जितने सारे रूल होंगे ना उसमें ये रूल काम करेंगे, मतलब जनरल सा रूल है मतलब वॉइस को बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिव वॉइस और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ठीक है। आप लोग को ये पता होगा, फिर भी देखिए तो बहुत मज़ा आने वाला है ठीक है। और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, ये बात कही गई है। अब ध्यान से सुनना, इसके बाद आपको ये डायग्राम को माइंड में बैठा लेना है ठीक है, बैठा लीजिए एकदम, हाँ माइंड में एकदम खींच लीजिए ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपको। अब देखियो हम कैसे पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले जब वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, और वो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इधर से ठीक है, इधर वाला बनेगा क्लियर। उसके बाद आप यूज करोगे ऑग्जिलरी वर्ब का। ऑग्जिलरी वर्ब मैं बता दूँ, इज, एम, आर, बाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज टू, बहुत सारा है। तो ये सब को हम कहते हैं ऑग्जिलरी वर्ब। तो ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑग्जिलरी वर्ब होगा कोई भी वॉइस में ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब की तीसरी फॉर्म, जैसे गो का क्या होता है, गो, बेंट, गॉन, गॉन होता है। बॉन्ट का क्या होता है, बॉन्ट, बॉन्टेड, बॉन्टेड ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आप यूज करोगे प्रीपोजिशन, तो बाई ही नहीं होगा सब जगह पे, लेकिन हाँ 100 सेंटेंस अगर वॉइस को देगा बनाने के लिए आपको, तो उसमें 90 सेंटेंस में बाई ही होगा और 10 सेंटेंस में नहीं होगा ठीक है। उसका मैं बताऊंगा, उसको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो कौन प्रीपोजिशन होगा, लेकिन जनरली बाई ही होता है। और लास्ट में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, तो आपका कॉन्सेप्ट ये बना कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, और फिर हमें चाहिए बाई, और आखिर में चाहिए हमें ऑब्जेक्ट ठीक है। देखिए
अब यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ अपनी कॉपी में, इस तरीके से लिखना, बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। उसके बाद ना तुरंत ख़त्म हो जाएगा वो वॉइस, बस ये एक ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करें, उसके बाद आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को बोलते हैं, ठीक है। ई जे एम आर अभी बताया ना, बाज वेयर। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो अभी बताएं, गो वेंट गॉन, और वही चीज़ जो बताया ना उसको यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, जो ज़रूरी हो वो प्रीपोजिशन, ऐसे बाई होता है। और लास्ट में क्या करोगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब देखिए, हाँ अब दिमाग खोल लो, दिमाग खोल लो, कमेंट पे ध्यान मत दो। तुम लोग कमेंट पे क्यों ध्यान दे रहे हो? इधर देखो, ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को बहुत आसानी से, आपको पता है ना टेंस का वॉइस होता है, और रूल भी होते हैं, स्पेशल भी होते हैं, उसको मैं उसको भी करवाऊंगा, टेंशन तुम मत लेना। बस अब देखो, प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस चुटकियों में बनेंगे, जी हाँ चुटकियों में, बस देखते रहो। तो प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, तो अब आपको ना एक रूल याद करना पड़ेगा। कौन सा रूल? कुछ खास नहीं, जो अभी बताया ना उसको सीरीज में याद रखो, ऐसे अभी यही चीज़ को बताया मैंने। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो लाल रंग से मैं घेर रहा हूँ उसको ध्यान देना, इसी चीज़ को ना अभी बताया, तो इसको रट लो पहले। पूरा का पूरा वॉइस में काम करेगा, पूरा टेंस में ये रूल काम करेंगे, समझ में आ रहा? रट लो जल्दी। सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बोलो मन ही मन, जल्दी जल्दी। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, भीतरी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से बोलो, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से बोलो एक बार, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भीतरी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। याद हो गया? अब सुनो, पूरा वॉइस में यही रूल काम करेगा, बस खाली चेंज होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। अब कैसे करते हैं देखो ज़रा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में V1 या V5 दिखाई दिया, तो पैसिव वॉइस में उसके जगह पे आप यूज करोगे इज एम आर। कान खोल लो, अच्छा से समझो। अगर आपको एक्टिव वॉइस में V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म या V5 दिखाई दे, तो पैसिव वॉइस में इसके लिए यूज करोगे इज एम आर। समझ में आया? अभी मैं करवाऊंगा एग्जांपल, तुरंत समझ में आएगा, टेंशन मत लो, सुनते रहो बस, ठीक है। तो मतलब आपका जो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब था, उसी को, उसी के जगह पे ये सारे रूल लगेंगे, ठीक है। मतलब अगर अगर ध्यान से सुनना, अगर आपके एक्टिव वॉइस में V1 या V5 दिखाई दे, तो पैसिव वॉइस में आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट और प्लस ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे ये वाला इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सुनो, अगर आपको एक्टिव वॉइस में इज एम आर प्लस V4 दिखाई दे, तो पैसिव वॉइस में आपका होगा इज एम आर प्लस बींग, ठीक है, समझते जाना। अगर आपको एक्टिव वॉइस में इज एम आर दिखाई दे प्लस V4, V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप, जैसे गोइंग रहेगा, लाफिंग रहेगा, राइटिंग रहेगा, तो आप पैसिव वॉइस में क्या करोगे, इज एम आर प्लस बींग कर दोगे। ये बींग में देखिए, इसमें भी ING लगल है और ये V4 में भी लगा हुआ रहता है, ऐसे आप रिलेट करके याद करना। और पता है इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो ना, बहुत अच्छा से देखो, आगे देखते जाओ अच्छे से बना पाओगे। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब को साथ लग जाएगा, और आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट और प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? देखिए अभी, और अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज हैव प्लस V3 दिखाई दे, तो पैसिव वॉइस में आपको हैज हैव प्लस बीन कर देना है। ध्यान से सुनो,
अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज हैव प्लस भी थ्री दिखाई दे तो पैसिव वॉइस में हैज हैव प्लस बीन कर देना है। और इसको कैसे याद रखोगे, देखिए ये भी थ्री है और ये भी थ्री है, बीन बी का रूप है, बी बाज बीन, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर पता है क्या होगा, ध्यान दो, आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ वाला हैज हैव प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं वॉइस, बहुत आराम से बनेगा। देखो सबसे पहले तो मैं इसको रटवा दिया हूँ, इसको फिर से एक बार रटो, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, बहुत आसान से बनेगा, ठीक है। इसको पहले हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपका है आई हेल्प योर मदर, तो पहला क्या बताए थे, ये वाला योर मदर आ जाएगा इधर, यानी ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। देखो भाई आता है तो भी ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो यहाँ पे योर मदर आ गया, यहाँ पे अब योर मदर सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो यहाँ पे देखिए हेल्प क्या है, वी वन या वी फाइव, तो यहाँ पे देखिए वी वन वी फाइव रहता था तो उसका पैसिव वॉइस क्या होता था, इज एम आर। तो यहाँ पे हेल्प वी वन है तो उसके लिए इज हो जाएगा, यहाँ पे योर मदर के लिए आर तो नहीं ना होगा, योर मदर इज, इतना तक समझ में आया। अब देखिए ये रूल पर चलेगा पूरा टेंस, तो मैंने सब्जेक्ट भी यूज कर लिया यहाँ पे, मैंने ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज कर लिया यहाँ पे, अब हमें चाहिए वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है हेल्प पे, तो हेल्प का तीसरा फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड, और ये बाई, तो यहाँ पे हम कर देंगे बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट ये आई आएगा, ये आई यही ना आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो हो जाएगा मी आपका होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए आपका होगा योर मदर इज हेल्प्ड बाई मी, क्लियर। चलो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना। अब मैं क्या करूँगा, इतने सारे एग्जांपल दूंगा और एक एक करके अच्छा से समझाऊँगा और आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चन है ही इज राइटिंग ए लेटर, तो आप क्या करोगे, ए लेटर को बना दोगे सब्जेक्ट, मैंने बना दिया जी। अब ध्यान से सुनो को आपका, मैंने अभी बताया कि इज प्लस भी फोर दिखाई दे, देखिए यहाँ पे था इज प्लस भी फोर, तो आपको क्या करना है, इज एम आर प्लस बींग लगाना है, तो लगा देंगे इज बींग, ए लेटर के साथ तो इज ही लगेगा, तो इज बींग हो गया। अब मैंने एक स्ट्रक्चर रटवाया था, उसको ध्यान देना, सब्जेक्ट तो लिख दिए ए लेटर, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब भी लिख दिए, तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद क्या था, याद है, चलो नहीं याद है तो देखो, उसके बाद था वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो वर्ब का तीसरी फॉर्म राइटिंग, ये भी फोर है तो इसको तीसरा फॉर्म क्या होगा, रिटेन, उसके बाद क्या था याद है, बाई था, तो बाई, और यही चलाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पे होगा हीम, समझ में आया। और अच्छा से देखो, एक का गो समझाएंगे, अच्छा से समझाएंगे, कहता है सी हैज स्टोलन माई पेन, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माई पेन है तो उसको लेके आएंगे यहाँ पे माई पेन, ठीक। अब बताइए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हैज प्लस भी थ्री, तो हैज प्लस भी थ्री को क्या बताए थे, किस में, देख लीजिए एक बार, मेरे को तो याद है, तुमको याद है कि नहीं, हैज प्लस भी थ्री का होता है हैज बीन या हैव बीन, होता है ना, तो यहाँ पे हैज प्लस भी थ्री क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मैं कर दूंगा हैज बिन, क्योंकि आ माई पेन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, हैज बिन, उसके बाद हमने यूज कर दिया सब्जेक्ट, उसके बाद यूज कर दिया ऑक्सिलरी वर्ब, अब हमें क्या चाहिए, भी थ्री, नहीं विश्वास है, देखो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी थ्री, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया स्टोलन, स्टोलन यहाँ पे भी थ्री में है तो भी थ्री, उसके बाद बाई लगा दिए, और हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, क्लियर। देखिए एक रूल से कितना काम कर रहा, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिना मैं टेंस बताए हुए समझा रहा हूँ। चौथा नंबर देखिएगा,
लिखा हुआ है सी स्पीक्स इंग्लिश, तो फिर क्या करना है, इधर से इंग्लिश को यहाँ पे बना देना सब्जेक्ट, बन गया जी। अब देखो ये है वर्ब का पांचवा रूप, तो वर्ब का पांचवा रूप एक्टिव वॉइस में दिखता था, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होता था, इज एम आर होता था। देख लीजिए भी वन या भी फाइव, तो इसका पैसिव वॉइस इज एम आर, ठीक है ना। तो मैंने इंग्लिश के लिए इज लगा दिया क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है ना, तो इज लगेगा। अब मेन स्ट्रक्चर जो रटवाया था उसमें आइए, सब्जेक्ट उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब, तो मैंने तो सब्जेक्ट लिख लिया उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब लिख लिया, उसके बाद क्या था, यही स्ट्रक्चर पे पूरा चलेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस ऑग्जिलरी वर्ब, उसके बाद क्या था, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो स्पीक्स का तीसरा रूप करेंगे तो स्पोकन हो जाएगा। तो आपका होगा यहाँ तक इंग्लिश इज स्पोकन, और उसके बाद भी थ्री के बाद हमें था बाई, तो मैंने कर दिया बाई। उसके बाद यहाँ पे सी था, तो सी का ऑब्जेक्टिव के सहर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, लाइक कर दो वीडियो को, समझ में आ गया तो लाइक कर दो और कमेंट करके बता देना। जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो ऑफलाइन होगा तब करना कि कैसा लगा, ठीक है, अभी भी बता सकते हो ऐसे, लेकिन कमेंट में ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, लाइक कर दो। आगे बताता हूँ, अब देखिए अब नेक्स्ट अगला बताऊँगा, अब ध्यान से सुनोगे तब ना आप उबिया जाओगे कि सर इतना क्यों करवा रहे हैं। अरे भाई मैंने सारा प्रेजेंट ख़त्म किया, तो कम से कम उसका सारा एग्जाम्पल को देखोगे तब ना अच्छा से समझ में आएगा। मेरा मकसद है आप लोग को अच्छा से समझाना, आप लोग सामने तो हो नहीं कि मैं पूछ सकता हूँ समझ में आया कि नहीं, इसलिए ध्यान से सुनो। कहता है रानी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको आप बना दोगे सब्जेक्ट, मैंने बना दिया जी। और मेन जो रटवाया था उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट के बाद ऑग्जिलरी वर्ब। तो पहले एक्टिव वॉइस देखो, एक्टिव वॉइस में इज प्लस भी फोर, तो इज प्लस भी फोर का पैसिव वॉइस क्या बताया था, इज प्लस बींग बताया था ना, देख लो इज एम आर प्लस भी फोर, तो इज एम आर प्लस बींग है कि नहीं, मैं बार बार अब नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो ए सॉन्ग इज बींग, अब मेन स्ट्रक्चर में था सब्जेक्ट उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब, तो ये ए सॉन्ग सब्जेक्ट और ऑग्जिलरी वर्ब भी हो गया। उसके बाद भी थ्री, तो सिंगिंग का भी थ्री क्या हो गया, संग, उसके बाद बाई, उसके बाद रानी ऑब्जेक्ट बन गया। चलो नेक्स्ट, छठा नंबर, ही हैज़ पोस्टेड ए मैसेज, तो क्या करोगे, सिंपल ए मैसेज है उसको बना दोगे सब्जेक्ट, मैंने बना दिया। उसके बाद हमें चाहिए ऑग्जिलरी वर्ब, मेन रूल जो रटवाया था उसमें क्या था, सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए ऑग्जिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद ए मैसेज के बाद ऑग्जिलरी वर्ब चाहिए, तो ऑग्जिलरी वर्ब हैज, तो हैज का क्या होता हैज बीन, तो ए मैसेज हैज बीन, सब्जेक्ट प्लस ऑग्जिलरी वर्ब, यहाँ तक हो गया। अब हमें चाहिए वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए पोस्टेड तीसरा फॉर्म है ये है, तो उसको लिख देंगे। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्टिव के हिम। क्लियर, नेक्स्ट आठवां नंबर देखिए, माई मदर लव्स मी, तो फिर वही ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसको सब्जेक्टिव केस करिए, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। अब ध्यान दो मैंने क्या पढ़ाया था, कि अगर एक्टिव वॉइस में वी वन या वी फाइव दिखे, ये लव्स क्या है वी फाइव, तो उसका पैसिव वॉइस होता है इज या एम या आर, तो आई के साथ एम लग गया, ठीक। अब मेन रूल में आ जाओ, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भी थ्री, तो लव्स का भी थ्री लव्ड, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट माई मदर ही हो जाएगा यहाँ पे, माई मदर। क्लियर, नेक्स्ट आठ नंबर, ध्यान से सुनना यार, तुम लोग बियाओ मत, सोनू इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो अच्छे से पढ़ाता हूँ, इसीलिए उबियाओ मत। सोनू इज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट,
तो बना दिया मैंने सब्जेक्ट, उसके बाद जो रटा है रूल, उस रूल में सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, ऑक्जिलरी वर्ब। तो आपका एक्टिव वॉइस में इज प्लस बी फोर है, तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे, इज प्लस बीइंग, बताए थे ना। तो यहाँ पे हो गया ए लेटर इज बीइंग, और ये राइट वर्ब है तो राइट का भीतरी रिटेन, क्योंकि हमें अब चाहिए भीतरी, उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट, तो बाई हो गया और सोनू यहाँ से ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर। अब हम चलेंगे अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को एक टेबल देखेंगे, इससे पास्ट और फ्यूचर के सारे वॉइस बन जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, एक्टिव वॉइस है और इधर पैसिव वॉइस है, मतलब एक्टिव वॉइस में रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में क्या करोगे वो बताऊंगा। अगर आपके एक्टिव वॉइस में भी टू दिख गया तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, बाज या बर होगा, ठीक है। और वो जो रूल रटे हो ना उसको याद रख ले रहना, एक ही रूल से सारा टेंस ख़त्म। समझ जाओ, बड़ा गजब बात है जी। तो भी टू, अगर एक्टिव वॉइस में भी टू दिखा तो पैसिव वॉइस में बाज या बर, कहाँ, ऑक्जिलरी वर्ब की जगह पे, बाकी तो सेम वही रूल रहेगा। और अगर एक्टिव वॉइस में बाज बर प्लस भी फोर दिखा, एक बार मैं पढ़ाया हूँ ना कि इज एम आर प्लस बी फोर दिखा तो इज एम आर प्लस बींग, तब बाज बी आर प्लस बी फोर दिखेगा तो बाज बर प्लस बींग, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब तीसरी बात, अगर हैड प्लस भी थ्री दिखा, तो एक बार और पढ़ाया हूँ कि हैज हैव प्लस भी थ्री दिखा तो हैज हैव प्लस बीन, तो हैड प्लस भी थ्री दिख गया तो उसको कर दोगे हैड बीन। क्लियर। अब देखो कैसे मजा आएगा। अब देखो, अगर आपको सेल बिल प्लस भी वन दिख गया एक्टिव वॉइस में, तो आप कुछ मत करना, सेल बिल प्लस बी कर देना, बी ई बी। क्लियर। इसको तो मैं एक धासु ट्रिक दूंगा, और जब पढ़ाऊंगा स्पेशल रूल तब देखना मज़ा कितना आएगा। अभी इतने याद रखो, ठीक है, इतना याद रखो कि अगर आपको सेल बिल प्लस भी वन दिखा तो सेल बिल प्लस बी हो जाएगा पैसिव वॉइस में। इसका एक मेरे पास जबरदस्त ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा, एक रूल से ना 6-7 रूल का भर, ठीक है, आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब हम क्या करेंगे, अब एक एक करके बनाने के लिए सीखेंगे वॉइस। तो फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा इस रूल को, रट लो, ठीक है। एक बात छूट गया ऊपर में नहीं बताया, अगर सेल बिल के बाद हैव दिखाई दिया पैसिव वॉइस में, तो आपको क्या करना है, सेल बिल और हैव बिन लिख देना है। अरे भाई, इसमें नया बात क्या है, हैव का हैव बिन होता है, बस ये तो आपको पता है। तो फिर से सुन लो, अगर आपको एक्टिव वॉइस में सेल बिल प्लस हैव दिखाई दिया तो पैसिव वॉइस में सेल बिल और प्लस हैव बिन कर देना। अब सुनो ध्यान से, अब ये रूल को रट लो जो मैं पहले रटवाया हूँ, मैं बार बार बोलूँगा, अंतिम तक बोलूँगा, पूरा वॉइस ऐसे ही ख़त्म करूँगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ एक बार, सब्जेक्ट प्लस ऑक्जिलरी वर्ब प्लस भी थ्री प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो बनाते हैं एक अगो। आपका क्वेश्चन है रानी रोट ए लेटर, तो कुछ नहीं करोगे, ए लेटर को ला दोगे इधर, और हमें सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, ऑक्जिलरी वर्ब। तो मैंने अभी पढ़ाया है कि अगर एक्टिव वॉइस में भी टू दिखे तो पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है, बाज बर। देख लो लिखा हुआ यहाँ पे, अगर एक्टिव वॉइस में भी टू दिखे तो पैसिव वॉइस में बाज बर, तो ये लेटर बाज हो गया, सिंपल। और ये रोट है, इसको कर देना भी थ्री में, क्योंकि हमें चाहिए ऑक्जिलरी वर्ब के बाद भी थ्री, तो ए लेटर वाज रिटन। क्लियर। उसके बाद बाई, तो लिख दिए बाई। अब हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो रानी यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब दूसरा देखो, दूसरा 10वां नंबर, सी स्पोक द ट्रूथ, मतलब वह सच बोली, तो कुछ नहीं, द ट्रूथ बन जाएगा सब्जेक्ट,
और ये भी टू है, पास्ट इंडेफिनिट है भी टू, तो भी टू का पैसिव वॉइस बाजवर, तो ट्रुथ सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है तो बाज। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब का तीसरा रूप, तो स्पोक का स्पीक होता है भी वन और भी थ्री स्पोकन। उसके बाद चाहिए बाई, तो यहाँ पे हो गया बाई। और उसके बाद सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सी बाज कंपोजिंग अ पोएम, इसको कैसे बनाओगे? तो कुछ नहीं, ए पोएम बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, तो बन गया ए पोएम सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे बाज प्लस भी फोर है, तो बाज प्लस भी फोर को क्या करते हैं? देखिए बाज प्लस भी फोर को करते हैं बाज बर प्लस बींग, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये पोएम बाज बींग। और उसके बाद हमें चाहिए वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो कंपोज का भी थ्री क्या होगा? कंपोज्ड। क्लियर? और उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन था वहाँ पे कटा हुआ था, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये पोएम बाज बींग कंपोज्ड बाई हर, ये सी था ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो गया हर। क्लियर? अब 12 नंबर देखिए, ध्यान से देखिएगा। द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज, तो इनवाइज बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद इनवाइज यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में वर प्लस भी फोर, तो क्या होगा? बाज वर प्लस बींग, तो इनवाइज सिंगुलर, तो बाज बींग। और फिर मेन रूल जो था सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद भी थ्री था, तो मेकिंग का भी थ्री हो जाएगा मेड। तो यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भी थ्री, उसके बाद बाई और द चिल्ड्रेन बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। बाई द चिल्ड्रेन एक ही तो रूल है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बस। 13 नंबर देखिए, अरे 13 नंबर तो द चिल्ड्रेन आर मेकिंग इनवाइज, अच्छा ठीक है 13 नंबर अभी बताए, ठीक है 14 नंबर देखिए, ही हैड ईटन ए मैंगो, ठीक है? तो देखिए ए मैंगो हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट, और हैड का पैसिव वॉइस हो जाएगा हैड बीन। और मेन रूल में क्या था कि सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद भी थ्री, तो ईटन भी थ्री में ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ईटन। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो ही बन जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है यार। उसके बाद देखो माय मदर बाज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे फूड कर दोगे यहाँ पे, अब फूड सिंगुलर है तो उसके लिए बाज हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए बाज प्लस भी फोर का पैसिव वॉइस क्या होता है? बाज प्लस बींग, तो फूड बाज बींग हो गया। और यहाँ पे कुक्ड है, ये भी फोर है, तो इसको कर देंगे भी थ्री कुक्ड, ठीक है? उसके बाद बाई, और यह बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाई माई मदर। क्लियर? देखो अगर ऐसे नहीं ना समझ में आ रहा, तो जैसे आपको बुक को मैं बताया रहता है या फिर सर बताते हैं, उस तरीके से भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना वॉइस बाई बीरबल प्रसाद सर, उसमें ना जैसे बुक में दिखाया रहता है बनाया हुआ रहता है, या फिर सर बताते हैं क्लासरूम में ऐसा ही बनाया हुआ है। तो अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो वो वीडियो देख लेना। 16 नंबर लिखा हुआ सी विल हेल्प मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। और मैंने क्या बताया था कि बिल जैसी दिखे, तो बिल का बिल भी, सेल का सेल भी, सेल या बिल तो सेल भी या बिल भी, तो आई के साथ बिल नहीं ना लगेगा, तो आई बिल का भाई क्या है? सेल, तो आई सेल भी हो गया। अब मेन जो रटवाए थे उसमें क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद भी थ्री, तो हेल्प का भी थ्री हो जाएगा हेल्प्ड। उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है? अब देखो सी विल हैव कुक्ड खीर, तो खीर यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे खीर बना दिया सब्जेक्ट। अब विल हैव है तो विल हैव का पैसिव वॉइस विल हैव बीन, हैव जैसे दिखा तो हैव बीन, तो हो गया खीर विल हैव बीन। अब जो रटवाए थे उसमें क्या था, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस भी थ्री, तो कुकड कुकड हमारा क्या है भी थ्री, और प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट, तो सी का हो जाएगा हर। उसके बाद देखिए आपका है राम बिल लव सीता, तो सीता बन जाएगा सब्जेक्ट, और ये बिल का पैसिव वॉइस बिल बी या सेल बी, तो सीता, तो सीता के साथ बिल लगेगा तो बिल बी। और जो रटवाए थे उसमें था सब्जेक्ट, उसके बाद ऑग्जिलरी वर्ब, उसके बाद भी थ्री, तो सब्जेक्ट ऑग्जिलरी वर्ब उसके बाद लव्ड हो गया, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो राम बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए किसका पैसिव वॉइस नहीं होता, अंत में मैं बताऊंगा कि कौन सा ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता। ज़बरदस्ती करोगे तो होगा ही होगा, लेकिन चार ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है। देखिए अब कौन कौन टेंस है उसको ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं एक ही में घुसा दिया हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कि टेंस का तीन भेद होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो सब भेद का चौथा भेद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों का नहीं होता है। और एक भेद आव है, वो फ्यूचर का दूसरा भेद है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं होता है, यानी चार टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। और आज तक इतना ही रहेगा, जो मेन वॉइस के जो स्पेशल रूल होंगे वो कल के वीडियो में देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, कल देखेंगे, कल के वीडियो में जो स्पेशल बच गए टेंस का सारा ख़त्म हो गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।